तो संगीत की जो एक बुनियादी लोगों को समझ थी जी। वो बहुत कुछ फिल्म संगीत थी सत्तर का दौर तो वही था अस्सी का दौर उसके बाद लोगों ने मेरे ख्याल में मेहदी हसन साहब आए हैं बेगम साहिबा के बाद तो लोगों ने नॉन फिल्मी एंड देन यू नो थिंग स्टार्टेड हैपनिंग मुझे लगता है कि पहली बार फिल्म में रेशमा जी का जब गाना हीरो में आया तब लोगों ने कहीं ना कहीं पे एक हाँ कि एक अलग अदरवाइज उषा उत्थप थी जो कि रॉक पॉप में गाती थी लेकिन एक खाटी आवाज से इश्क हो सकता है लोगों को ये बेगम अख्तर जी के बाद शायद रेशमा जी की वॉइस में फिल्म की बात कर रही हूँ और तब जब वो मुझसे कहते थे कि आवाज तो जितनी पुराने गाने वालियों को दो ये आवाज तो बड़े नसीब से मिलती है ऐसी आवाज के लिए लोग तरसते हैं तो वो एक कहले उन्होंने एक मुझसे कहा कि इस पे ही आप काम करें, काम करें। वो कुछ और बनने की कोशिश ना करें बिल्कुल